मैं कथा वाचने लगूंगा, काय का विरोध, क्यों विरोध करेंगे भाई? मैं कथा वाँच सकता हूं, मैं कथा पढ़ सकता हूं, मैं शादी करा सकता हूं, और अगर हमें आपस में इसे कोई समाज के हर समाज का व्यक्ति निकलेगा और ये करेगा तो कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है, उनको सहयोग करना चाहिए छोटे भाइयों का। तक भारतीय जनता पार्टी से कार्य करते ही रहे हैं, हमको आज तक मंडल तक का पद नहीं दिया हमको, लेकिन हम कार्यकर्ता बन के काम किया है। हम लोगों ने, मेरे पिताजी जनसंघ को उन्होंने खुद खून पसीने से सींचा है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने काम किया है, तो हम तो एक देश के लिए पार्टी के लिए काम कर रहे थे। आज शिवराज, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, सभी आपके पूछपरख कर रहे हैं जी। आपकी पूछपरख तो बढ़ गई ना? नहीं नहीं, पहले भी था, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कंधे से कंधे मिला काम किया है, राजमाता जी के साथ कंधे से कंधा मिला काम किया है, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि हमने बड़े लीडरों के साथ काम न किया। सागर किस मूवमेंट को लेकर सागर आए? अब मैं यहाँ से ही वो शुरू हुआ था जो बात चली थी, क्योंकि यहाँ एक बच्ची के साथ, 11 साल की बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ था, उनको अपहरण किया गया, रेप किया गया, फिर उसको मारा गया, उससे मैं बहुत दुखी था। आरोपी को जेल भेज दिया गया है? आरोपी को जेल भेज दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक फर्स्ट कोर्ट बनाया है कि जिससे एक दो महीने में इसका डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जब लोधी समाज के लोग न्याय मांगने गए तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई, मतलब उनका सहयोग तो छोड़िए आप, तो उनको कहते हैं मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते, तो वो काम हो गया है। आज जो आपने इतनी बड़ी सभा की, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? अब ये सभाएं जारी रहेंगे, जहाँ जहाँ लोगों पर अत्याचार अन्याय हुए हैं गरीबों पर, मैं वहाँ पूरे देश में जाऊँगा और सारे संगठन OBC ST और SC को लेकर साथ में, और जितने भी छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं सबको एक छत के नीचे लाकर और इस लड़ाई को जारी रखूँगा। बात हक की लड़ाई के बाद जी, अब धर्म के जो ज्ञाता लोग हैं कहते हैं बागेश्वर हैं, सरकार जी है, वो उनसे भी आपका काफ़ी कुछ हुआ, क्या था मामला? देखिए, मैं धर्म की लड़ाई भी लड़ूंगा, क्यों, ये दुष्टर और हमारे भीष्म पितामह जी जब सभा में बैठे हुए थे तो पांडवों ने अपना हक मांगा था, आधा हिस्सा, फिर उनने कहा हमको 25% ही दे दो, वो भी नहीं दिया, मना कर दिया बिल्कुल नहीं मिलेगा, लास्ट में आके उनने केवल 5 गांव मांगे थे और 5 गांव भी नहीं दिए, तो फिर क्या हुआ था, महाभारत। ऐसे ही हम अपने बड़े भाइयों से, मैं ऊंची समाज को बड़े भाई मानता हूं उनको, हम मंझले भाई हैं और ST SC वाले वो सबसे छोटे भैया हमारे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा OBC ST SC को ये हक दें, बड़ा भाई, बड़े भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हाँ, इन लोगों को हक दो, अगर आप इन लोगों को हक नहीं दोगे तो फिर संघर्ष शुरू होगा। यहाँ भी आप गैर बराबरी की बात कर रहे हैं, सबसे छोटे भाई, महिले भाई, बड़े भाई, अगर आप बराबरी की बात कर रहे हैं तो सभी फिर हम उनको बड़ा भाई मानते हैं, हमारे वो पूजनीय है इसलिए हम बड़ा भाई मानते हैं, परिवार में कायदे से कहते हैं कि छोटे भाई को ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, और सब पूरा परिवार छोटे भाई को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, जैसे हमारे ST और SC वाले शोषित पीड़ित तो वही है छोटा भाई जी, तो हमको छोटे भाइयों को गले लगाना चाहिए। मैं बड़े भाइयों से इसीलिए तो निवेदन कर रहा हूँ कि इनको गले लगा के एक बार देखिए, ये तो अपना सर काट के तुम्हारे हाथों में दे देंगे, ये समाज ऐसी है। लोधी समाज ने तो बहुत इतने काम किए हैं कि इतिहास भरा पड़ा है लोधी समाज का, तो हमारे यहाँ भिंड के अंदर बदावर महाराज थे, चढ़ाई शुरू की उनने गोहद किले पर, उसमें कुछ गोहद किले पर सैनिक बंदी बना लिए थे उस राजा ने, तो जब ये किया तो गेट नहीं टूट रहा था, हाथी लोग जड़ में कीलें लगी होती थी, पहले पुराने समय पर देखा होगा आपने, पैनी कीलें तो उसके सर में लग जाती थी, तो गेट नहीं टूट रहा था, तो उनमें एक सैनिक थे दुआराम लोधी, वो उनकी छाती बहुत चौड़ी थी, उन्होंने कहा महाराज मैं छाती लड़ा देता हूँ और फिर वो टक्कर मारेगा हाथी तो गेट टूट जाएगा, तो उनने अपनी छाती लड़ा दी थी और जब फिर टक्कर मारी थी गेट टूट गया था, उसमें थे सारे जितने भी पुराना इतिहास है जी, 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 समाज का। जैसे अवंती भाई हैं, अभी आपने एक नया राग छेड़ दिया है कि OBC SC ST से भी महंत पुरोहित कथावाचक निकले, ये नया फंडा क्या निकलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान किसी के घर की जागीर नहीं है, ज्ञान तो हर व्यक्ति कर सकता है, और हर व्यक्ति, क्या वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी थी, हम उसको फॉलो क्यों करते हैं? उनको स्थान थोड़ी है, लेकिन वो नहीं स्थान ना हो, लेकिन लिखी है और उसको फॉलो कर रहा है पूरा देश, हमारे बाबा साहेब जी ने संविधान लिखा है,
तो बाबा साहेब जी तो बहुत बड़े पूजनीय व्यक्ति है, मैंने उन्हीं का तो आशीर्वाद लिया है। नई रोजगार पे बात की आपने, नई रोजगार पे कैसे बात सृजित होगा वो, कि जो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे युवा? आत्मनिर्भर आदमी पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा, कथावाचक और महंत बना रहे, उसमें कथावाचक भी बनेंगे और शादी के पढ़ने के वो भी करेंगे, गाँव में हर जगह कथा बाँचते हैं वो भी बनेंगे, तो दोनों चीजें होंगी उसमें। एक बार के विरोध करेगा ना जो जो हमेशा उस व्यवस्था पे बैठे हैं वो तो विरोध में आएंगे। देखिए मैं कथा बाँचने लगूंगा काय का विरोध, क्यों विरोध करेंगे भाई? मैं कथा बाँच सकता हूँ, मैं कथा पढ़ सकता हूँ, मैं शादी करा सकता हूँ, और अगर हमें आपस में इसे कोई समाज के हर समाज का व्यक्ति निकलेगा और ये करेगा तो कोई बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात है, उनको सहयोग करना चाहिए छोटे भाइयों का। आखिरी लड़ाई कहाँ तक चलेगी? अंजाम तक, जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुँचा दूँ। प्रीतम लोधी जी सामाजिक समरसता की ओर एक समाज को ले जाने की बात कर रहे हैं कि अब ओबीसी एससी एसटी भी कथावाचक बने, महंत बने, पुरोहित बने। मैं सागर से देवेंद्र कश्यप, पंजाब केसरी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।